हेलो गाइस, मैं शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्पीज़ क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, मेरी जितनी भी अभी तक वीडियो आई हैं वो सारी बजट फ्रेंडली हैं और बहुत ही कम कॉस्ट पर तैयार होने वाली हैं। आज भी जो मैं लेकर आई हूं ये बर्ड पेयर बहुत ही कम कॉस्ट पर तैयार होने वाला है और आपके घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने वाला है। यहाँ पर मैं फॉइल पेपर यूज़ कर रही हूँ। फॉइल पेपर को अच्छे से फोल्ड करके आप एक बर्ड का शेप देंगे। इस टेक्निक से आप सिर्फ बर्ड ही नहीं, एलिफेंट, कैमल और जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अच्छी तरह फोल्ड कर एक बर्ड का शेप दे देंगे आप, ये देखिए। उसके बाद मैं यहाँ मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ ताकि जो भी फॉइल पेपर निकलने को तैयार है वो अच्छी जगह अपनी जगह पर बैठ जाए। तो अच्छे से रैप कर लेंगे मास्किंग टेप से। इसी तरह मैं बीक को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए बीक पे भी टेपिंग करूँगी। ये देखिए, अच्छे से टेपिंग कर देनी है हमें। ये देखिए, अब ये कुछ इस तरह दिख रही है। यहाँ पर मैंने सीजर से नीचे की तरफ होल किया है जहाँ पर मैं स्टिक लगाऊंगी। इस तरह से अच्छे से फेविकॉल लगाकर हमें इसे फिक्स कर देना है। अब मैंने लिया है यहाँ पर फेविकॉल, थोड़ा सा सीमेंट, वाइट सीमेंट और वाटर। बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है, एक थिक पेस्ट रहेगा ये, देखिए इस तरह से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे फेविकॉल को। अब हमने यहाँ पर जो हमारी बर्ड है उसमें टिश्यू पेपर रैप करके, ये देखिए इस तरह से हम स्टिक को फेविकॉल लगाकर फिक्स कर देंगे। गाइस, यहाँ पर थोड़ी सी लाइट का इश्यू है तो प्लीज़ डोंट माइंड। अगली वीडियोस में मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो यहाँ पर हम जो हमने पेस्ट बनाया था इस तरह टिश्यू पेपर लगाकर अच्छे से उसे लेयर लगाएंगे टिश्यू पेपर की। यहाँ पर आपके 3 से 4 टिश्यू पेपर लग जाएंगे। अंदर फॉइल पेपर होने की वजह से ये बहुत लाइट वेटेड है। देखिए, अच्छे से हमें कोटिंग कर देनी है वाइट सीमेंट की, बोथ साइड लगाएंगे।
एक लेयर लगाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखने वाला है। गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप अच्छे से इसे देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला कुछ भी, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि अच्छे से टिश्यू पेपर को हमें कैसे रैप करना है, किस तरह हमें ब्रश की हेल्प से आपको वाइट सीमेंट एंड फेविकॉल का जो मिक्सचर है, पेस्ट है, वो किस तरह से लगाना है। ये देखिए, इसके बाद हमने वाइट सीमेंट में इसमें फेविकॉल नहीं मिलाया है, सिर्फ वाइट सीमेंट है और आपका वाटर है। एक बाउल में मैंने फॉइल पेपर लगाकर नीचे बेस बना दिया है जिसमें हम अपने बर्ड का बेस तैयार करेंगे। ये देखिए, मैं फिंगर की हेल्प से अच्छे से लगा रही हूँ ये जो पेस्ट है हमारा, जो थोड़ा बहुत रफ़ रहेगा, रफनेस है, वो आपको नाइफ़ की हेल्प से उसे क्लीन करना है, स्मूथ करना है। अगर मैं आपने मेरी पहले वीडियो देखी होंगी तो मैंने आउल में वो टेक्निक यूज़ की थी, नाइफ़ की हेल्प से आप उसे स्मूथ कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं बाउल में भी भर रही हूँ, अच्छे से फिल कर देंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए आपका ये पेस्ट। सूखने के बाद मैंने उस पर कलर करना स्टार्ट कर दिया है। गाइस यहाँ पर शायद मेरी थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई है। मैंने बर्ड को थोड़ा सा, जब सीमेंट थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो बाउल वाला, तो उसमें आपको बर्ड लगा देनी है। और किसी भी ऑब्जेक्ट से आप कुछ भी बॉक्स वगैरह रख के उसे सपोर्ट देंगे और आप मुश्किल से 2-3 घंटे में ही वो अच्छे से जम जाता है और फिर आप उसे इजीली बाउल से अलग कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे एक्रिलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो गाइज आप वीडियो देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी, और मैं आगे भी आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी। थैंक यू। Thank you.